यार वैलेंटाइन्स डे कितना रोमांटिक है ना, एवरी डे इज अ रोमांटिक डे। घंटावैंशो से दुकानदारों का फायदा होता है इसमें, और वैंशो किस चूतिए ने वैलेंटाइन्स वीक बनाया। पूरे साल लुक्कड़ पे चाय बिस्किट खा के पैसे बचाओ और एक हफ्ते में ऐसे उड़ा दो जैसे बाप के कोयले की फैक्ट्री हो। वैंशो 7 दिन संडे से लेके अगले संडे तक गिफ्ट दो, अखंड चूतिया वैंशो। पहला दिन रोज डे, तुझे पता है लास्ट ईयर वैंशो मेरे साथ क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने एक लड़की को रोज दिया गुड स्टैमिना, गुलाब गुलाब। मुझे इतनी जोर से टट्टी लगी थी फिर भी उसको घर तक छोड़ने गया। घर के बाहर जाके कहती, ओ बन छोड़ दास, थैंक यू सो मच फॉर द रोज, बट मैं घर लेके नहीं जा सकती, मॉम डैड शक करेंगे। अरे खरीदने का फिर बैंचो फायदा क्या हुआ, जब शक करना था तो घर नहीं ले आ सकती तू। वही किसी अंधेरी गली में बैंचो हक दिया मैंने, और उसी गुलाब से पिछवाड़ा साफ किया अपना। 25 रुपए का गुलाब बैंचो 5 मिनट में सनफ्लावर हो गया। फिर वैंचो अगले दिन था प्रपोज डे। अब ऐसे तो प्रपोज मार नहीं सकते, स्टाइल तो मारना ही पड़ेगा वैंचो, तो उसको एक डायमंड रिंग लेके दी। डायमंड रिंग? मेरा अंडरवेयर तो मांग मांग के पहनता है तू। अभी वो नकली वाली रिंग्स नहीं मिलती गिफ्ट शॉप्स पे वैंचो, उन्हीं चुतियाबों की वजह से तो दुकानें चलती है। वो रिंग को चाटेगा ना तो जीप चमकने लगेगी, इतनी फेक कोटिंग होती है वैंचो उस पे। मैंने सोचा अच्छे से प्रपोज करूंगा, वैंचो एक रेस्टोरेंट में लेगा, वहां किसी शैंपेन के ग्लास में वो रिंग डाल दी। वो हॉलीवुड फिल्मों में नहीं होता, पीती है मुंह पे लग जाता, कहती ओह माय गॉड। मैंने सोचा पिएगी तो सरप्राइज हो जाएगी, पर सारी शराबत एक घूंट में पी गई, गले में अटक गई रिंग। कुत्ते वाली खांसी होती है ना, मुंह में उंगलियां डाल के उल्टी करवाई वैंचो, तब जाके रिंग निकली है। ओह ये किंकी स्टफ, आई लाइक इट। फिर कौन सा दिन आता है? चॉकलेट डे। बाय गॉड सबसे चूतिया दिन है वैंचो। पूरे साल कहेगी चॉकलेट दिखाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी मोटी हो जाऊंगी, लेकिन उस दिन वैंचो चॉकलेट चाहिए। तू बता आज तक हमने 5 रुपए की डेयरी मिल्क से ज्यादा कुछ खाया? उसको चाहिए थी फेरेरो रोशर। फेरेरो रोशर, हाँ वही, देख जिसका नाम हम ढंग से नहीं बोल पा रहे वैंचो, उसको वो खानी है। इसीलिए हॉकलेट खाओ मत, पहनो। उसके बाद क्या आता है वैंचो? टेडी डे। तुम्हारी माँ की आंख, 1800 रुपए का टेडी बियर लिया वैंचो मैंने, 1800 रुपए का। 1800 रुपए का बड़ा वाला चाहिए था ना वैंचो, बड़ी मुश्किल से पैक करा के इतने बड़े भालू को मैं ऑटो में ले गया वैंचो, पुलिस वाले ने पकड़ लिया। कह रहे किसकी लाश है ये? मैंने कहा वैंचो सर लाश नहीं है, टेडी बियर है। कह रहे वो क्या होता है? मैंने कहा भालू है। उसको लगा मैं एनिमल स्किन सप्लाई करता हूँ। 2 डंडे मारे मेरा पेशाब छूट गया यार। तुम दोनों को वैंचो फोन किया, दोनों बिजी। मुझे कोई फोन नहीं आया भैया, मैं तो एक इटालियन लड़की के साथ था। अगला दिन क्या है? प्रॉमिस डे। भाई दुनिया में सारे गलत काम करो पर वैंचो किसी को प्रॉमिस मत करो। क्या हुआ? कहती कल तुमने मुझे टेडी बियर दिया था ना, वैसे क्यूट हो जाओ। मैंने कहा डार्लिंग वैंचो 4 पैरों पे चलने लगूं, मुंह से मछलियां पकड़ने लगूं, भूरे रंग का हो जाऊं वैंचो। कहती क्यूट हो जाओ। अब तुम दोनों हरामियों के साथ मैंने अपना पूरा बचपन निकाला है, मैं अचानक कैसे क्यूट हो जाऊं वैंचो? कहती मेरा नाम प्यार से लिया करो, बाबू सोना कुच्चू कुच्चू लवड़ा लसन मेरा, तोतले की तरह बोलना जरूरी है वैंचो। क्या तल रहे हो बाबू, खाना खाया? अबे उसके चक्कर में बैंतो बैंतो करने लगा था मैं वैंचो, ऐसा लग रहा था नर्सरी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। चल पुरानी पुरानी बात, अगला बोल अगला। और भी है हग डे, अभी बात हो रही है, तू बाद में हगी हो दिया। मैं एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के गया कि वैंचो चरास थोड़ी बहुत कडलिंग तो हो जाएगी। मैंने कहा हक दो। कहती अभी प्रेशर नहीं बन रहा। उस रात मेरे घर पे कबाब बने थे वैंचो, खा नहीं पाया। अब क्या बचा? किस डे? क्या बात है, एंड तो अच्छा हुआ। तू पूरा महीना जॉब पे अपनी घिसे वैंचो, फिर मंथ के एंड में जब सैलरी आने वाली हो चेक बाउंस हो जाए। मतलब मैंने कहा डार्लिंग आज तो ग्रैंड फिनाले है। कहती मैं शादी तक पवित्र रहना चाहती हूँ। शादी तक पवित्र रहना चाहती हूँ। मैं क्या गटर में पैदा हुआ था वैंचो? मैं क्या छाती पे बटर चिकन की ग्रेवी रगड़ता हूँ? फिर भी मैंने कहा वैंचो चल कोई बात नहीं, थका हुआ था घर जाके सो गया। अगले दिन उठा तो 15 मैसेज और 20 मिस कॉल थी। लड़ाई हो गई वैंचो। लड़ाई? कहती ब्लू टिक नहीं दिखा। ब्लू टिक? एवेटार ब्लू टिक टिक व्हाट्सएप। Are you ignoring me, Vancho? Am I not important to you? अरे ओ एलिजाबेथ की औलाद, इंपॉर्टेंट ना होती तो इतने पापड़ बेलता Vancho। गुलाब के फूल से अपने चूतर साफ करता, कांटे होते हैं यार उसमें, रैशेस पड़ गए Vancho। प्यार की खातिर क्या क्या मौसम झेले, गर्मी और ठंड, बदले में हाथ क्या आया अपना ही। होता है जो वो होता नहीं।
तू ही बता यार, LOL मतलब क्या होता है वेंच? लॉल मतलब हा 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 वाला, हंसने वाला। ये कहता है लॉल मतलब लॉट्स ऑफ लव। कल इसकी गर्लफ्रेंड की दादी मर गई तो इसने उसको मैसेज किया, टेक केयर लॉल। हंसना बंद कर बैंचो, भाई का तलाक हुआ है आज, इज्जत डूबी है इज्जत मेरी बहन। इतनी सी बात के लिए मेरे से ब्रेकअप कर लिया बैंचो मेरे से। हत्तू यार प्लीज इतना मत पी, पापा आ जाएंगे मेरी वाट लगा देंगे। कौन कमबख्त पीता है पीने के लिए, मैं तो पी रहा हूँ ताकि उसकी यादें भुला सकूं बहन। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। हूतियों का राजा तू है, हूतियों का राजा। ओ राजा ओ राजा ओ राजा ओ राजा ओ राजा ओ राजा ओ राजा। जब से ब्रेकअप हुआ है घर के सारे टिश्यू पेपर खत्म हो गए हैं। इतना क्यों रो रहा है मेरे भाई? रो नहीं रहा, दाग मिटा रहा है। दाग? यहाँ आने से पहले मैं दो बार आया। बिफोर कमिंग हेयर आई केम ट्वाइस। भरी पिचकारी मारी सर। यार कोई बात नहीं, होता है, एक महीने में भूल जाएगा। उसकी तस्वीर को सीने से लगा कर सोया करते थे हम। उसकी तस्वीर को सीने से लगा कर सोया करते थे हम। अब तो सिर्फ दो चीजें रह गई हैं, गम और कम। अजा अजा मैं प्यार ते। समीर तू मेरा सच्चा भाई है, ये याद रखियो, तू सच्चा भाई है। ये बैंचो है, तू मुझे पीने से रोक रहा है? अरे सच्चा दोस्त पीने देता है हमेशा, तू क्यों रोक रहा है? तेरे को क्या है? मैं बोतले साफ कर दूंगा तुझे, तेरा दिल टूटा है क्या? गाना बजा, रेडियो चला, लगा तू। अजा अजा सीखा कभी जीना, चेंज कर बैंचो कैसे जीना। अभी ये हर गाने में रोता क्यों रहता है यार? हटा इसको। मुझे दुनिया वालों शराबी न समझ। आज तो रेडियो वालों को भी पता लग गया ये भाई का ब्रेकअप हुआ है। आवाज ऊंची कर, ऊंची कर, ऊंची ऊंची। कल रात को इसने इतनी पीली, इतनी पीली, इतनी पीली। पीली तो टट्टी है मेरी, सबकी पीली होती है मदरबोर्ड। कल इसने इतनी पीली, इतनी पीली, इतनी पीली, मुझे फोन करके कहता मैंने सांप पकड़ा। मैं घबरा गया, भागा भागा इसके घर गया तो देखा ये अपना सांप पकड़ के खड़ा था। हुतिया, और जोर जोर से चिल्ला रहा, सांप ने मुझ पे थूक दिया, सांप ने मुझ पे थूक दिया। हुतिया, अरे वो सच में साफ था वेंचु, मैं झूठ क्यों बोलूंगा भाई? अभी भी मेरे साथ से, मैं तेको दिखाता हूँ, देख दो अंडे भी दिए उसने। नहीं नहीं समझ गया समझ गया भाई, समझ गया समझ गया समझ गया। ओके यू स्लीप, यू स्लीप। इसकी उतरवा दो यार, पापा आ जाएंगे अभी। इसको नींबू हटवाओ, नींबू। नींबू चटवा देता हूँ, हाँ एक सेकंड लाया। अरे वेंचु कहाँ जा रहा, रुक घर से नींबू लेके आया हूँ मैं, दो ले। अरे नहीं भाई नहीं है नींबू मेरे भाई। वेंचु भाई चुप हो जा यार, है मेरे पास है, ला रहा हूँ। ओके हेल्प योरसेल्फ। आवाज बड़ी कर, आवाज बड़ी कर, मेरा गाना आ रहा है वेंचु, बड़ी कर बड़ी कर बड़ी कर। खड़ा है खड़ा है खड़ा। ये कौन सा गाना है? My grandfather loved Puddi, but he never acted like this. Bhuvan beta! Kya hua? Surprise! Papa, mummy, kya hai ye? Mummy, papa ki taraf se surprise. Uncle, hum kya tuition ke dost hain? Arey, tum dono bhi. Hello. Arey, tere liye to aadhi raat ko haazir hai, man. Only when we are not fucking. Kya? केक काटो, केक 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 काटो केक। ये तेरा दोस्त बहुत खुफिया लगता है, आधी बातें समझ ही नहीं आती। नमस्ते अंकल। ये कैसा लसन वाला केक है? लसन कहाँ है लसन? हम तो चॉकलेट खाते हैं। और मैं चॉकलेट पहनता हूँ। क्या अंकल
पाइनएप्पल केक तो बुढ़े खाते हैं। अरे बेटा हम भी तो धीरे धीरे बुढ़े हो रहे हैं अब। अंकल कहाँ, अभी तो बहुत खुदाई करनी है। खुदाई इस उम्र में? बेटा वो तो बचपन में मचाई है बहुत, अब तो घुटनों में दर्द रहता है। ये लीजिए मेरे ग्रैंडफादर का कार्ड, 70 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी घोड़ी बना सकते हैं। घोड़ी? ए कार्ड वापस ले, कार्ड वापस ले, कार्ड वापस ले। पापा कोई जरूरत ही नहीं है ना, मैं ले जाऊंगा आपको हॉर्स राइडिंग क्लब है इसके, दादाजी का वहीं ले जाऊंगा मैं आपको, वहां बहुत घोड़ियां हैं। केक काटो यार, केक काटो। वेट अ सेकंड, आई हैव गॉट द कैंडल्स। 69? अरे ये तो अभी 22 साल का हुआ है। मेरा फेवरेट कमरे का नंबर। केक तो काट, फूंक तो मार। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर हूतिया, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे छोड़ दो बेटा, मेरे फोन से एक फोटो ले ली। मिसेस वर्मा का फोन है वैन। अंकल आपका फोन है। बेटा मेरे हाथों में केक लगा है, बाद में उठाओ। ओह नो। हेलो, हेलो, हेलो। ओह ये फोन दे, फोन दे, फोन दे, फोन दे, फोन दे। हेलो, थैंक यू सो मच आंटी, आप आए क्यों नहीं? हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ जी मम्मी पापा, इस बार मेरा बर्थडे गिफ्ट, पेरू घूमने चलें। पेरू? बुन में नहीं गु, घूमने जाएंगे पेरू। अरे वो सब छोड़, उस दिन तुझे ब्लैक और ग्रीन कलर की बाइक पसंद आई थी ना? हाँ कावासाकी निंजा। हाँ हाँ की शर्ट लाए तेरे लिए। क्या से दिखाओ, क्या दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ। बेवफा तेरे प्यार में चाह क्या क्या मेरा बेवफा। केक काटो पर किसी का हूतिया मत काटो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। बैंचो मन में नहीं पढ़ा जाता, कितनी तेज चला रहा है। अबे फॉर्मूले याद कर रहा हूँ यार। तो मन में करना बैंचो, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है यार, वैसे मेरी अलजेब्रा से फट रही है बैंच। कैसे याद होंगे, तब से फोन पे लगा हुआ है। अबे यार एक लड़की सेट कर रहा हूँ, वो कल एग्जाम में मेरे साथ बैठेगी, सब दिखा देगी। Oh yeah. Oh no. आंसर शीट। तुझे कैसे पता तेरे साथ बैठेगी? अल्फाबेट वाइज ही तो बैठते हैं, उसका नाम आशिमा, मेरा नाम बेंचो, आगे पीछे। बेटा टीचर्स बड़ी चालाक होती है, हमारे जैसे हरामियों को पहली सीट पे बिठाती हैं, और मेरे जैसे को तो बेंचो अपनी सीट पे बिठा देते हैं। हाँ इसलिए प्लानिंग वैनिंग छोड़ और पढ़ना स्टार्ट कर। यार परसों से पेपर है बेंचो, सिलेबस कैसे कम्प्लीट होगा? अबे तू इतने दिन से कर क्या रहा था? भाई हर कोई मेरी बजा रहा है अपने अपने स्टाइल में। ही, क्या दिन आ गए, लेने वाले अब देने लगे। 2 महीने पहले से शेड्यूल बना रखा था कि हर सब्जेक्ट को बेंचो एक एक हफ्ता दूंगा, पहले के 5 दिन सिलेबस खत्म और फिर 2 दिन मस्त रिवीजन करूंगा। सोचा था बेंचो सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा। 5 बजे सोचा था। हर चैप्टर को 3-3 घंटे में दिए ना बेंचो, कोर्स खत्म, लाइफ सेट। ना देख ऐसे आसमान को इतनी उम्मीद से, किसी परिंदे ने मुंह पर हक दिया तो सारी हसरतों के लौड़े लग जाएंगे। फिर क्या हुआ, पढ़ना शुरू नहीं किया? कहाँ बेंचो, मेरे घर वालों को रिश्तेदारी निभाने से फुर्सत थोड़ी मिलती है। पता नहीं कौन सा दूर का मामा बेंचो आके टपक पड़ा, एक तो साला गाड़ी सीख के गलती कर दी। सोचा था बगल में लड़की बिठाऊंगा, डेट पे ले जाऊंगा, पर यहाँ वो मामा बैठा हुआ, कचौड़ी खानी कचौड़ी, बेटे समोसे खाने, वहां से समोसे ले ले। रिश्तेदारों का ही ड्राइवर बना दिया बेंचो, स्टेशन छोड़ने जाओ लेने जाओ, और साले जान पूछ के सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़ते हैं। एक बंदा प्लान कर रहा है कि सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूंगा, लेकिन नहीं, रेलवे की पटरी पे लोगों को सुबह सुबह हकते हुए देख रहा हूँ।
कहीं भी लोटा लेके बैठ जाते बेंच पे और आंखों में आंखें डाल के जोर लगाते हैं। उनको देख के मेरा प्रेशर बन गया बेंच। एग्जाम की टेंशन कम थी जो ये भागने की भी आ गई। इतने मासूम कंधों पे इतना बोझ बेंच। घर आके पढ़ाई शुरू कर देता। स्टार्ट की थी ना बेंच पर एक गलती हो गई। क्या? हाइलाइटर। हाइलाइटर? किसी चिरांद लड़के ने क्लास में बोला कि हाइलाइटर ले ले बेंच, इंपॉर्टेंट लाइंस मार्क करता रहियो। अब मेरे जैसे आठवीं फेल के लिए सब इंपॉर्टेंट होता है। मैंने पूरी बुक हरी कर दी। अबे ऐसे में विकिपीडिया बेस्ट होता है, उसमें हर चीज मिल जाती है यार। एक तो जब इंटरनेट खुलता है ना, 10-10 टैब एक साथ खुल जाते हैं। विकिपीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, एक्स वीडियोस। ओह यार, लेटेस्ट कॉन्फी देखी? सबमिशन लिंक तो भेज। और कुछ चूतिया तो फेसबुक पे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। डू नॉट इग्नोर दिस पिक्चर, शेयर दिस विद 10 पीपल और माता रानी पास करा देगी। अब फेल होने के डर से बंदा शेयर नहीं करेगा बेंच। और एक तो फोन ऑन रखो तो कॉल पे कॉल। और भाई कितना हो गया? मैं तो रिवीजन कर रहा हूँ साला। यहाँ हाइलाइटर से मैंने पूरी पेंटिंग कर डाली और ये रिवीजन कर रहा है। और गलती से भी किसी टॉपर को फोन मत करियो। मैं तो टॉपलेस को फोन करता हूँ। या तो वो फोन उठाएगा नहीं, और उठाएगा तो कहेगा मैं घूमने आया हूँ। यहाँ जलते तवे पे चूतड़ उछल रहे हैं और ये घूमने गया है। कब से पढ़ रहा होगा बेंचो? अबे ये लोग किसी के सगे नहीं होते, 98 आने पे भी रोते हैं। बेंचो 98 में हम जैसे 3 पास हो जाएं। पर तेरे पास फिर भी पूरा 1 महीना था यार। भाई मुझे तो लगता है हमारी गवर्नमेंट हमारे खिलाफ कोई गेम खेलती है। मतलब इतनी बुंड फटी हालत में क्रिकेट वर्ल्ड कप कौन रखवाता है? वो तो है। मेरे घर के साइड में एक ओवर एंथुसियास्टिक क्रिकेट फैन रहता है। उसने एशिया कप के हर चौके छक्के पे बम फोड़े। एक दिन मैं पढ़ रहा था तो लाइन से 6-7 बम फूटे, धार धार धार। मैंने कहा कोई तो पक्की धुलाई कर रहा है बेंच। बाहर आके देखा तो कह रहा भैया हाईलाइट देख रहा था, सॉरी। मेरी तो हालत खराब हो रही है बेंच। अबे इजी है, फॉर्मूले याद हो जाएंगे। पूछियो। इजी। व्हाट इज अ परपेंडिकुलर लाइन? इट इज अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर। अबे इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू लाइंस व्हिच इंटरसेक्टेड राइट एंगल। मतलब कभी लेट के हिलाया है? अच्छा 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 90 डिग्री। क्या ऐसे याद करेगा फॉर्मूले? परपेंडिकुलर। भाई क्या करूं बेंचो, पास नहीं हुआ तो पापा दुकान पे बिठा देंगे। हेलो। हाँ शिमा। नहीं छोटा लिखना, एकदम छोटा। आई मैनेज बेंचो। क्या फर्रे बनवा रहा हूं बेंचो, टॉयलेट के पीछे छुपा दूंगा। ओह यार एकदम छोटा, आई मैनेज बेंचो। और कितना हो गया तुम्हारा? रिवीजन कर रही हूं यार मैं तो। तेरा कितना हो गया? मैं भी रिवीजन कर रहा हूं बेंचो। यार ये परपेंडिकुलर क्या होता है? कभी लेट के हिला है? ये सुन, एक बार दो चींटियां बैठी थी तो एक हाथी सामने से गुजर रहा था। तो एक चींटी बोली मुझसे लड़ाई करेगा, तो दूसरी बोली छोड़ना अकेला है। ये सुन बेंचो, एक बार एक हाथी और चींटी स्विमिंग करने गए तो दोनों एक एक करके जा रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों के पास एक ही स्विमिंग कॉस्ट्यूम था बेंचो। हाय, ये तेरा कजिन कुछ बोलता नहीं? कम बोलता है बेंचो। हाय भुवन बाम। फमीर फुद्दी। फमीर फुद्दी। फमीर फुद्दी थोड़ा अलग सा नाम है नी? अबे ये सर को फ बोलता है बेंच। अच्छा 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 अच्छा। समीर सुद्दी। समीर फुद्दी। तूने तो अभी बोला वो सर को फ बोलता है। अबे सर को फ बोलता है तो फ को तो फ ही बोलेगा बेंच। भाई की इज्जत डुबा रहा है यार। अबे ये फुद्दी कैसा सरनेम हुआ यार, थोड़ा सा स्ट्रेंज है। माई ग्रैंडफादर लव्ड फुद्दी। और फुद्दी समीर क्या चल रहा है आजकल? फैक्स। फैक्स की दुकान कहाँ पे है? अबे बोला तो ये सर को फॉर बोलता है बेंच। दिन रात फैक्स। दिन रात फैक्स। ओह यार आई एम लविंग इट। आप नहीं करते? इसकी तो फैक्स मशीन में जंग लग गया बेंच। और पापा क्या करते हैं? फक फक शक। सर को फ बोलता है ना बेंच। पापा दिन रात फक करते हैं, पड़ोसी भी परेशान है, पूरा दिन फक करते रहते हैं। घर लेटा हूँ तो फक, जल्दी उठ जाऊँ तो फक, पार्टी करके आऊँ तो फक, लेट जाऊँ तो फक, थकने बैठूँ तो फक। थक जाते होंगे? नहीं हैं कुछ नहीं।
ऐसे बात करते हो तो सामने वाले को प्रॉब्लम नहीं होती, इतना कंफ्यूजन हो जाता है। क्या प्रॉब्लम होगी? सो को फ, सेक्स को फैक्स, शक को फक, फक को फकी तो बोलेंगे, पर वो तो शक है। तो फकी तो बोला। अबे शक बोलना था, तू फक बोल रहा है। मैं फक को फकी बोलता हूँ, मेरी आदत है फकीर। और ये दिन रात फैक्स कौन करता है? मैं। अरे तो उसको फैक्स नहीं सेक्स बोलते हैं। फैक्स ही तो बोला है। फैक्स कौन करता है दिन रात? सेक्स होता है दिन रात। और एक सेकंड, तू सेक्स कर सकता है दिन रात? आप नहीं कर सकते। हाँ कर सकता हूँ, पर फैक्स नहीं सेक्स। कैसे बोलता है तू? फकल से तो हिलाने वाले लगते हो। क्या बोला तू? औकात में रह बेटे। ओए समझा ले इसको। मार साले को, तू भी मार, दोनों मारो बैंच। अजीब भूतियों वाली बातें कर रहे हो। भूतियों? ये च को ह बोलता है बैंच। तूने मुझे भूतिया कहा? तो भूतिया को भूतिया तो बोलेंगे, भूतिया थोड़े बोलेंगे। फाले मेरे घर में घुस के मुझे ही भूतिया बोल रहा है। फारी की फारी आकर ठीक कर दूंगा एक सेकंड में, फिर फोफता रही हो कैसे हो गया इतना फोफती जल्दी जल्दी। फाला मदरबोर्ड, मदरबोर्ड। मैं चौको ब बोलता हूँ। मदर बोर्ड मादर च। सही खेल गया बैंच। बैंचो बैंचो क्या हो गया भाई? यार गड़बड़ हो गई बैंच। क्या तू प्रेग्नेंट हो गया? आदमी कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है? हो सकता है, परसों मेरे हाहा जी मुझे बोल रहे थे कि मैं बाप बनने वाला हूँ। बाप बनने वाला है मतलब उनकी वाइफ मतलब तुम्हारी हाही चाची प्रेग्नेंट है। भाई तू बता क्या हुआ? अभी मैं स्कूटी से आ रहा था बैंचो, बाहर रेड लाइट पे मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक आंटी चलती हुई आ रही थी बैंचो, मुझे दिखी नहीं और मैंने उड़ा दिया। उड़ा दिया मतलब? उड़ा दिया। तो अब कैसी है? डेंट पड़ गया और शीशा टूट गया बैंच। अबे आंटी कैसी है? पता नहीं बैंच। पता नहीं मतलब? मैं भाग के आ गया ना बैंच। अबे भाग के क्यों आया? हिट एंड रन का केस हो जाएगा। तुझे तो बस अब भाई से परफेक्टता है। पक्का भाई, फल्लू भाई। छोड़ इसको, तू ये बता तू यहाँ क्यों आया? वहीं रुकता ना। यार मैं तो रुकने वाला था लेकिन वहाँ इतनी भीड़ आ गई, मैं भाग के आ गया। मुझे जेल तो नहीं होगी? किसी को पता नहीं चलेगा। स्कूटी कहाँ है? वहीं छोड़ा है। 5 महीने की होगी अब तो। रजिस्ट्रेशन नंबर है उसका? नहीं। 2 फाल। पॉल्यूशन के पेपर? नहीं। 5 फाल पक्का। लाइसेंस तो है? नहीं। उम्र कैद। तू पागल तो नहीं? स्कूटी वहीं छोड़ा है ना? रजिस्ट्रेशन ना लाइसेंस ना कोई डॉक्यूमेंट। किस पे है फक? तुम्हारा वाला शक नहीं फक। तुझे इस टाइम खुदाई करनी है भूतिया। चुप कर भाई, फोन आ रहा है पुलिस का होगा। उठा उठा उठा। नहीं 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 तू बात कर। मैं क्या बात करूं? तू बात कर, तू बात कर। हेलो बैंच। ओह नो। नहीं मेरे पास कोई स्कूटी नहीं है बैंच, और उसका कलर ब्लू भी नहीं है। इसको कहते हैं उड़ता तीर बुन में लेना। वो रहा तीर, बाय बाय तीर, बाय बाय तीर, खट खटा। क्या जरूरत थी मुंह फाड़ने की? उसने पूछा स्कूटी का कलर कौन सा है। इसको कहते हैं उड़ता तीर पुण्य में लेना। फंस गया बैंच, अब तो जेल होके रहेगी। सुना है पुलिस वाले बहुत बुरी तरह मारते हैं बैंच। सुना है वो डंडा नीहे पे डाल के मुंह पे बाहर निकालते हैं। इतना बुरा मारते हैं, इतना बुरा मारते हैं, हुतड़ लाल हो जाते हैं। एज रेड एज मंकीज एस। मम्मी क्या हुआ? अरे मुझे मार दिया है? अभी बार रेड लाइट पे मैं सब्जी खरीदने जा रही थी, एक स्कूटी पे बिगड़ा हुआ लड़का आया और मुझे टक्कर मार के चला गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का, अच्छा सिला दिया तूने। पता नहीं कैसे बिगड़े हुए बच्चे हैं, मुझे पूछा तक नहीं और भाग गया। अरे बेटा बनछोड़दास, तेरी ब्लू वाली स्कूटी बाहर रेड लाइट पे गिरी हुई थी, मैं ले आया, संभाल के रखा करो बेटा। Get well soon, आंटी। चुप। बाय बाय तीर, बाय बाय तीर, बाय बाय तीर। अबे तुझे पता है चीता 120 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकता है? My grandfather loved फुद्दी, और उसके लिए वो हीता से भी तेज भाग सकते हैं। तुझे अपने grandfather पे बहुत गर्व है ना? हर चीज में उनको बीच में ले आता है। My grandfather is everything to me। उन्होंने ही मुझे ABC सिखाई। A for apple, B for bund, C for hoot। अबे हूट H से होता है। मेरा हूट तो सी से ही होता है। हूतिए
ये बता ऐसा कौन सा जानवर है जिसके बहुत सींग होते हैं? राइनो फॉरफ। उसका एक होता है। हाथी। हाथी के दांत होते हैं दो, लंबे तेरी तरह। लोमड़ी। लोमड़ी। नमस्ते बेटा, नमस्ते। और सींग नहीं होते लोमड़ी के, काम क्या है भोपड़ी के? नमस्ते अंकल। समीर सॉरी बोल। क्यों सॉरी बोल? इसने तुम्हें तंग किया, मुझे बॉटल ओपनर बोला। बेटा मैं सॉरी बोलने आया हूँ। सॉरी क्यों? तुम बच्चों को मैंने बहुत ब्लैकमेल किया है, उसके लिए सॉरी। आज मेरा बर्थडे है और होली है, दोस्तों की तरह रहेंगे, मिल बांट के रहेंगे, भाइयों की तरह रहेंगे, कोई गिला शिकवा नहीं, सब ठीक। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। आंसू तेरे निकले तो आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, ऊपर वाला करे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो, बाप तू बने और मेहनत मेरी हो। बेटा मैं ये सोच रहा था कि मैं क्यों तुम बेचारों के पीछे पड़ा था। कौन नहीं देखता पौन पौन? कौन नहीं देखता? देखता नहीं कौन पौन? हाँ अंकल सब देखते हैं। भाई मियां खलीफा का नया कलेक्शन लाया हूं मैं। लो 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 अंकल, आप लो आप लो। अबे डरने की कोई बात नहीं है अंकल, हमारे साथ हैं, दोस्ती हो गई है। कौन नहीं देखता पौन? सब देखते हैं अंकल। पौन देखना तो आम बात है, अब सब देखते हैं, नेचुरल है। तू नहीं देखता? कभी कभी खींच देता हूँ बेंच। और तुम नहीं देखते? Why masturbate when you can get laid? Oh yeah. पर तुमने अपने पापा को वो हॉर्नी बीमार पुसी और बिल्ली वाला कंफ्यूजन करके बड़ा बेवकूफ बनाया बेटा। वो पापा अचानक पीछे से आ गए थे ना, तो इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी तो नहीं बता सकता। और वो मियां खलीफा वाला भी चक्कर पड़ा बेवकूफ बनाया बड़ा। नस्ते बड़ा, नस्ते। अंकल वो भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, अब बता दूंगा बाद में, लेकिन अभी तो रहने दो। तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है बेटे। मतलब अंकल पौन देखना तो आम बात है, अब सब देखते हैं, नेचुरल है। वो पापा अचानक पीछे से आ गए थे ना, तो इसलिए वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं बता दूंगा बाद में, लेकिन भाई के साथ धोखा हद होगी। होला बाहर से भोला अंदर से बैंड का। मीठा मीठा बोल के तुमने दिल को लूट लिया, अब मुद्दे की बात करो, बहुत मूत लिया। बेटा गुस्सा थूक दे। होली है, होली, होली है, है, होली, होली है। मुझ पे थूका, भोला पे थूका। समीर फुद्दी का फेसियल बहुत नसीब वालों को मिलता है। अरे तुम तीनों को नंगा कर दूंगा। क्यों केला खाना है? मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जिराफ को ब्लोजॉब देता है क्या? तेरे जैसे ना जाने कितनों को सीधा कर दिया मैंने। मेरा टेढ़ा है। और तू क्या हंस रहा है? अबे तू खुफ रहा है। बेटा अब तो तेरे पापा तक की रिकॉर्डिंग पहुंच के रहेगी। अंकल थोड़ा सा सेटलमेंट कर लो ना प्लीज। अरे इसने मुझ पे कैसे थूका, कैसे थूका? ऐसे थूक आ थूक मलू में ते हाथों में, आ सजदा करूं मैं तेरे हाथों में। अंकल थोड़ा सा सेटलमेंट कर लो ना प्लीज। अरे पानी सर के ऊपर जा चुका है। अबे वो थूक है सर के ऊपर। इसको बोल मुझसे माफी मांगे। सॉरी बोल दे भाई। कोई जरूरत नहीं है मैंच। तेरे पापा तक रिकॉर्डिंग चली जाएगी बेटे। इसको बोल सॉरी बोले मुझे। बोल तुझे केटी पेरी की कसम। सॉरी बोल। बोल नहीं। बोल नहीं। बोल सॉरी बोल। सॉरी 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 सॉरी। भाई की इज्जत डुबा दी मैंच। Sorry for this. भाई की इज्जत रख ली वैंचो। कैसे? कुछ लोग हाथ की गंदगी को साफ करते हैं और हम हाथों की सफाई पे गंदगी फैलाते हैं। क्या? बेटा दे दे। उसको दे उसको। बेटा दे दे, ऐसा मत कर। सॉरी अंकल। बेटा दे दे। बैंचो दे बैंच। कैच बैंच। बेटा फुद्दी फोन दे दे, मैं किसी को नहीं बताऊंगा बेटा।
अबे हुतिया लेफ्ट में होता है हार्ट, हुतिया बना रहा है क्या? सॉरी अंकल, कैश भाई। तुम बच्चों ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, नीम के पत्तों की तरह कड़वे हो तुम। नीम का पत्ता कड़वा है मिस्टर होला भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है मिस्टर होला भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है मिस्टर होला भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है मिस्टर होला भड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा है मिस्टर होला भड़वा, बोला नीम का पत्ता, बोला बोला नीम का पत्ता कड़वा है मिस्टर होला भड़वा। तूने उनकी जेब से फोन कैसे निकाला? My grandfather taught me this. जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट पे जाते थे तो उसके हाथों पे हुड़ी कंगन हुरा लेते थे और उसको पता भी नहीं चलता था। सही खेल रहे हो आज। Relax, I got it. Yeah. अरे we'll go for coffee. पर एक शर्त पे, we'll Dutch. संडे को कौन सी ट्यूशन होती है? I'll pay. Okay. See you. Bye. क्या हो गया? घर बस गया बैंचो, मेरा घर बस गया। गर्लफ्रेंड? हेलो, अहा हुआ। हिला हिला के हाथों की लकीरें मिट गई थी इसकी। तेरी नजर में एक लड़के और लड़की का रिश्ता सिर्फ सेक्स का होता है ना, तो ये कौन सा ढोल बजाने वाला है उसके पास? उस दिन इसकी गर्लफ्रेंड ने उसको बोला कि प्रॉमिस करो तुम मुझे प्रोटेक्शन दोगे, तो हुतिया कॉन्डम ले आया। अबे क्या हो गया यार? इंटरनेट पे बंदी सेट हो गई बैंचो। अबे तेरा रोज का है यार, बात बात पे बैंचो बैंचो करेगा और ये भी थप्पड़ मार के चली जाएगी। अबे उसको मेरी यही आदत तो क्यूट लग गई बैंचो, मेरी कमजोरी अब मेरी ताकत बन चुकी है। अंडरस्टैंडिंग वाला लेवल नहीं दिख रहा बैंचो। अबे मैंने कल कहा कि फेसबुक की डीपी में बहुत अच्छी लग रही हो तो गुस्सा हो गई, कहती तुम कुछ भूल रहे हो। मैंने कहा कंचा लग रही हो, कंचा जहर। कहती नहीं बैंचो बोलना भूल गए। भाई कानों में घंटियां बजने लगी बैंचो, उस टाइम पे लगा कि बैंचो तू तू है वही दिल ने जिसे बैंचो कहा, तू है कहां। पर मिली कहां पे? भाई हर रोज की तरह टिंडर पे शिकार कर रहा था, और राइट स्वाइप करने की आदत है मुझे, मैं किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकता। ऊपर से लड़कियों को भी अच्छा लगता है कि बैंचो किसी हैंडसम लौंडे ने लाइक किया। अबे ओ गरीबों के जॉनी डेप, उस दिन मेरी नौकरानी अपनी बेटी के लिए इसका हाथ मांग रही थी, मैंने कहा आंटी कम से कम आप तो अपना स्टैंडर्ड रखो। ओ बैंचो स्टैंडर्ड की तो बात ही मत कर, साले हर हफ्ते 5-7 star होटल में जाता हूँ। क्यों? टट्टी करने, जब ज्यादा प्रेफर आता है तो अपनी स्कूटी वैले पार्किंग में देके होटल की लॉबी के टॉयलेट में हकता है। मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तेरी माँ का ताज विवानता। यार उसकी बातों से लगता है कि फ्यूचर कितना ब्राइट है, कल कितनी कोजी कोजी बातें हो रही थी, कहती तुम मेरे लिए चांद तारे तोड़ सकते हो। मैंने कहा डार्लिंग बैंचो चांद का तो पता नहीं, पर तेरे लिए किसी की जरूर तोड़ सकता हूँ। मतलब देख रहे कितना फ्रैंक हो रहे हम दोनों। नाम तो बता। नल्ली है? नल्ली? अरे पूरा नाम नल्ली नहीं है, मैं प्यार से बैंचो नल्ली बुलाता हूँ। हमारे छोटे छोटे नल्ले होंगे। क्या? लड़का हुआ तो उसका नाम रखूंगा बारूद। डिलीवरी के टाइम डॉक्टर क्या बोलेगा, मुबारक हो नल्ली में से बारूद निकला है। भाई वो सब तो ठीक है, पर प्यार में ज्यादा पागल नहीं होना। पागल कुत्ता बना हुआ है, स्नैपचैट पे कुत्ते वाला फिल्टर लगा के उसको भेजता रहता है। कुतिया बैंचो बहुत प्यार से मांगती है यार। पर ये कुत्ता बन के है करने में क्या मजा आता है? कहता है उस पर प्रैक्टिस हो जाती है। किस चीज की? उम्र सारी। ओह अच्छा भाई, जरा 500 का रिचार्ज करवा दे। क्या 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 500? किसका? गर्लफ्रेंड का। साले खुद का कभी 10 rupees के टॉप अप से ऊपर डलवाया है? ऐसा मत कर बैंचो, डलवा दे। मैं क्यों करूं? साले मैं तेरा पेट्रोल ही भरा था बैंचो। डीजल कार है मेरी और उसमें पेट्रोल डलवाता है। एक बार गलती से भरवा दिया तो अभी गिनवा रहा है। उस बात को भी 1.5 साल हो गया भैया, क्या बार बार गिनवाता रहता है? प्लीज ना भाई, ले लियो बाद में। ये कल की आई लड़की बहुत महंगी पड़ रही है। फोटो तो दिखा यार, उसने अभी तक फोटो नहीं भेजी है, लेकिन बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए। मैं एक सेकंड, तूने उसका चेहरा नहीं देखा अभी तक? भाई कब से बातें हो रही हैं? एक हफ्ता हो गया। बात करने में जेन्युइन है यार, कॉल पे तो कभी हुई नहीं बात। तूने उसकी आवाज ही सुनी अभी तक? कॉल कर उसको। फोन काट दिया और हुतिया भी। उसको टेक्स्ट कर, बोल अभी के अभी अपनी फोटो भेज। ओ फक, मैन इतनी सुंदर तो है यार।
अबे ये तो कोई पॉर्न स्टार है, है? Oh, no. दिखा कौन सी वीडियो देखी है इसकी याद नहीं आ रही। फेक टैक्सी एपिसोड 43 ब्रिटिश गर्ल 14 मिनट वीडियो ब्लैक जैकेट व्हाइट टॉप ब्लैक जीन्स। कितना डिटेल में आते इसको। मैं फोन देखता नहीं घोल के पी जाता हूँ। एक सेकेंड उसको बोल अभी के अभी अपनी फोटो भेजे होल्डिंग अ पेपर विथ बैंचो रिटन ऑन इट। सॉरी मॉम एट होम। ये पक्का पंगा है। सच सच बता तूने अभी तक कितने का रिचार्ज करवाया। परसों 1500 रुपए का कराया था, कल 450 का और आज 500 का। और कोई हुत्यापा तो नहीं किया। मेरे न्यूड्स मांग रही थी दे दिए। सिर्फ चेस्ट की ना। नहीं मुझे तो दिखा। 7th क्लास के बाद हम दोनों ने एक दूसरे का दिखाई नहीं। चुप कर बैंचो। उसकी फेसबुक आईडी दिखा। वर्क्स एट आई डोंट वर्क आई एम डैडीज लिटिल प्रिंसेस लिव्स इन कैलिफोर्निया। अबे क्या कर रहा है चूतिया। फेक आईडी है। चार दोस्त हैं इसके बस। ज्यादा सोशल नहीं होगी। समीर समझा। तेरे बुन में हड़ भुका है डंडा और वो मुंह तक आ गया है और तेरे अंगूर की तस्वीर भी उसके पास है। अगर वो इंटरनेट पे गई तो तेरे एल लग जाएंगे और अंगूर भी फस्ते हो जाएंगे। तेरी हर हरकत से तुझे रोका, तेरे हर कदम पे तुझे टोका। हो गया ना खड़े लंड पे धोखा। बचा लो यार भाई की इज्जत डूब जाएगी बेंच। रुक जा ट्रू कॉलर देखने दे। मजनू प्रसाद एच। मजनू प्रसाद एच मतलब अभी तक मैं लड़के के साथ कटने की बातें कर रहा था। जब डॉगी स्टाइल करोगे तो ईंट से ईंट टकराएगी। अरे नहीं नहीं वर्मा साहब कल मैं ऑफिस आऊंगा तो लेके आऊंगा। हाँ जी मजनू प्रसाद एच। एक सेकंड किसकी बात कर रहा है। अब कोई नहीं वो किसी मजनू प्रसाद एच के नाम से फोन आया था। अरे मिस्टर होला तुम्हें क्यों फोन करने लगे। अरे उनका पूरा नाम है मजनू प्रसाद होला। क्या हो गया मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या हो गया बेंचो। सॉरी नहीं वो मैं एक दोस्त को भेज रहा था वो गलती से आपको सेंड हो गया। हाँ जी रिपेयर करा दूंगा। हाँ जी रिपेयर करवा ही रहा हूँ। हाँ करवा रहा हूँ। क्या हुआ यार फोन खराब हो गया है। कुछ भी लिखता हूँ तो मैसेज बन के किसी को भी सेंड हो जाता है। तूने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन देखी। पूछ मत बेंच एक बंदी को ले गया था डेट पे। सोचा था मूवी के बाद आस्काउट करूंगा। क्या बात है। पॉपकॉर्न का टब लैब पे रखा हुआ था वो खा रही थी। इतने में वंडर वुमन की एंट्री हो गई बेंच टब ऊपर हो गया। कहती ये क्या है। मैंने कहा डार्लिंग बेंच डार्क नाइट राइजेस। थप्पड़ मार के चली गई बेंच। तुझे अपनी फीलिंग्स पे जरा सा भी कंट्रोल नहीं है ना। प्यार के बिना अकेला सा हो गया हूँ यार। पापा भी एक साल से दुबई में है। बहुत कम घर आते हैं बेंच। कोई अपना है ही। मेरे भाई मैं हूँ ना। मुंह मिलेगा पूरा दिन अपनी बंदी के साथ लगा रहता है। और तू क्या कर रहा है। तेरे घर का वाईफाई स्लो है क्या। चल तो रहा है क्यों। ओए तू फिर से गेम डाउनलोड कर रहा है। मूवी डाउनलोड कर रहा है। अपलोड क्या। लास्ट नाइट आई रिकॉर्डेड माय फैक्ट टेप उसी को अपलोड कर रहा हूँ। कहाँ। माय ग्रैंडफादर लव्ड फुद्दी .com। ओ फक। बेचू। क्या हुआ। पापा का मैसेज आया। मेरा बच्चा मैं आ रहा हूँ आज एमकेसी माकी चू। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे जीते रहो। तुम बच्चे भी अब धीरे धीरे ऊपर आने लगे हो। पहले पैर छूते थे अब घुटने छूते हो। आने वाले टाइम में शायद लैंड ही पकड़ लो। माकी चू। अंकल पूरे छू लेता हूँ। माकी चू लुक एट यू बेटे कितना बड़ा हो गया है। आपने कब देखा। पापा आपने तो सरप्राइज दे दिया बेंचो। अबे ओ अंकल के सामने तो बेंचो मत बोल। माकी चू बेटे हमारी पूरी फैमिली पोकेमोन फैमिली है। इसकी मम्मी को पसंद था राइचू। इसको पिकाचू। मेरे को माकी चू कौन सा पोकेमोन था। मेरे ग्रैंडफादर को तो एफ पसंद है। यहाँ सबको पता है ये बात। पिकाहू का ट्रेनर एफ। क्या एश ही गॉट इट। सॉरी बेटे समीर देख तेरे लिए क्या लाया। सेल्फी स्टिक बेंच। मौफा जी ये तो यहाँ भी मिल जाती है।
स्पेशल सेल्फी स्टिक है ये मेरे जिगर के लिए, सिर्फ ओ ये बोलने पे फोटो लेती है माँ की चू। ओ ये, ओ ये, ओ ये, ओ ये, ओ ये, आई लाइक इट, थैंक यू मोफा जी। और बेचे तेरे लिए ले घड़ी, रात में ग्लो करती है माँ की चू। अंकल छोटा बच्चा थोड़ी ना हूँ, ग्लोइंग वॉच। छोटे बच्चे से याद आया, तेरा नुन्नू कैसा है बेटे? कौन नुन्नू? जब तू छोटा सा था तेरा नुन्नू तेरी पैंट की जिप में फंस जाता था और तू पूरा दिन रोता रहता था माँ की चू। अब तो नहीं फंसता? अब तो इसका नुन्नू किसी और की पैंट में फंसता। ए, नहीं फंसता, नहीं फंसता अंकल, अब नहीं फंसता, क्या फंसेगा, नहीं फंसता। पापा वैंचू मेरे लिए क्या लाए हो? श्याम को गुड़गांव जाना है। अंकल गुड़गांव का नाम हो चेंज होके गुरुग्राम हो गया। बेटे चट्टी को कितना भी चीनी में घोल दो वो कभी मफिन नहीं बनेगी माँ की चू। या लीजा आ रहा हूँ माँ की चू, उससे किसी भी तरह वो सीक्रेट कोड निकलवाओ, और अगर नहीं माने तो वहीं पे कंदील फीचरिंग राखी सावंत की डीवीडी पड़ी है, हाथ पैर बांध के दिखाओ। oh, no. और अगर फिर भी ना माने तो चूतनों के बीच में लाल मिर्ची का तड़का दो, आग के गोले हगेगा माँ की चू। डोंट माइंड अंकल, बट आपका बिजनेस तो छतरी का था ना? बेटे छतरी का बिजनेस तो दुनिया को दिखाने के लिए है। तो आप दुबई में करते क्या हो? मैं तो रैकेट चलाता हूँ। बैडमिंटन खेलते हो? माँ की चू मेरे बेटे, रैकेट मतलब इलीगल धंधा, माफिया माफिया, हेरोइन का बिजनेस। ओह ये, मेगन फॉक्स मिलेगी? लो, मुजरा नहीं करवाते, ड्रग्स का हेरोइन का बिजनेस है। मोफा जी लीजा कौन है? सेक्रेटरी पर्सनल। चुप कर बैंचो, पापा मेरे लिए क्या लाए हो? बेटे लीजा। पापा गिफ्ट बैंच। लीजा लाया हूँ बेटे। बाप हो तो ऐफा। ये कब हुआ? बेटे आज से 4 महीने पहले दुबई में मुझे गोली लगी थी, हॉस्पिटल जा नहीं सकता था तो लीजा ने ही मेरी गोली निकाली, गोली निकालते निकालते मेरी गोली चल गई। ओ ये मोफा जी, गोली सीधा उसके हाथ में लगी तो दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसी में ही प्यार हो गया माँ की चू। ले बेटे लीजा से बात कर। मैं क्या बात करूं? तू कुत्ते का पीला नहीं है, तू मर्च का बच्चा है, तू शेर का बच्चा है माँ की चू, बात कर। हेलो वैंचू। पापा आप ही बात करो यार, ये तो आवाज से इतनी हॉट लग रही है, मम्मी कैसे बोल दूं यार। कोड मिल गया, कोड मिल गया, माँ की चू लीजा, आई लव यू बेटा। कोड लिख बेटा, कोड लिख, टी यू एम सी एच यू टी आई वाई ए एच ओ। थैंक यू लीजा, ये ले पलंग छोड़ देंगे आज, बेटा कोड बता जल्दी, मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये किसको सेंड हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, क्या हुआ? बबली सर को सेंड हो गया। अबे उनको कौन सा समझ आना है सीक्रेट कोड वैंचो, तुम चूतिया हो। हाँ वैंचो, हूँ, तू भी है, ये भी है। मैं तो हूतिया हूँ। अबे तुम चूतिया हो, सीक्रेट कोड था जो बबली सर को सेंड हो गया। कैसे? फोन कर रहे हैं। बेटे मेरी बात करा। माँ की चू। दूध और बुंड दोनों के फटने पे आवाज नहीं आती। या ओके, या वील टॉक लेटर, कूल, या वील टॉक लेटर, ओके कूल, बाय। किसका फोन था? गर्लफ्रेंड का। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या क्या बात, क्या है? गर्लफ्रेंड है तो क्या बात है, क्या बात, क्या है? हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। तुम्हें कभी नहीं हुआ सच्चा प्यार? प्यार व्यार सब बकवास है, अगर दो लोगों में अंडरस्टैंडिंग हो तो प्यार हो जाता है। मेरी अंडरस्टैंडिंग बस मेरे दादाजी के साथ थी।
कैसे? माय ग्रैंडफादर लव्ड बुद्धी को डू आई। अरे पर प्यार नहीं हुआ कभी? हाँ एक बार हुआ था स्कूल के दिनों में, वो लड़की बिल्कुल मेरी तरह थी। शी आल्सो लव्ड बुद्धी। फटा बुद्धी है, उसके भी दांत भारते मेरी तरह। मेरे को लगा मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। रोज शाम को कुल्फी खाने जाते थे। एक दिन मैंने उसको किस करने के लिए आगे किया, दोनों के दांत टकरा गए। पूरी बेचारी खूनों खून हो गई, दोनों के दांत टूट गए, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। गाल पे किस करते थे तो ऐसा लगता था कि लव बाइट दिया। सच्चा प्यार रियल लाइफ में नहीं होता, बस फिल्मों में होता है। टाइटैनिक देख लो ना, कितनी एपिक रोमांटिक मूवी है यार, कल्ट क्लासिक। कल्ट कल्ट CULT कल्ट क्लासिक। मूतिया था जैक, लास्ट वाले सीन में बहुत जगह थी वो फटे हुए, फटाक से ऊपर जाके बैठ जाता, मूवी कमी नहीं थी, उसने आने नहीं दिया उसको। कहते जैको तुम छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे नहीं, छोड़ोगे, छोड़ दिया तूने उसको, ऐसे उसको छोड़ दिया, एक बच्चा मर गया। वैसे भी इतने ठंडे पानी में उसकी फैक्स मशीन खराब हो गई होगी। प्यार व्यार सब बेकार की बातें, आजकल सब हिलाते हैं। क्या हिलाते हैं भाई? चिल्लाते हैं चिल्लाते हैं, ये चको हो बोलता है पापा। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बातें हो रही हैं? ट्रू लव की बातें हो रही हैं। आपको नहीं हुआ कभी? हुआ था बेटा कॉलेज में। हैं? नहीं हुआ बेटा, कभी नहीं हुआ, इसकी मम्मी के साथ ही हुआ है बस। पापा? अरे कॉलेज के दिनों में हुआ था यार, वो लड़की सबसे सुंदर थी, पूरे कॉलेज में लड़कों की लाइन लग जाती थी उसके पीछे, लेकिन बस मुझे जो ना उसने, उसको मेरा मफलर बड़ा क्यूट लगता था। फिर क्या हुआ? उन दिनों लेटर लिख लिख के बातें हुआ करती थी। एक दिन वैलेंटाइन डे पे मैंने भी उसको खत लिखा और उसके पापा ने पढ़ लिया। अगले दिन उसके भाई आके मेरी कुटाई कर गए, पता नहीं क्यों। लेटर में लिखा क्या था? मैंने लिखा था कि वैलेंटाइन डे है, अगर तुम मुझे रोज दोगी तो मैं भी तुम्हें रोज दूंगा। गुलाब लिखते थे फादर, क्या बचपन से ही इंग्लिश बोलने का कीड़ा है। अंकल प्यार तो पहले के टाइम में होता था, अब तो बस पलंग हिलते हैं। क्या भूकंप आ रहा है ना आजकल बहुत हर जगह? तो हाँ वो तो हो ही रहा है सब जगह। और तुम क्या कर रहे हो आजकल? हुदाई हुदाई। ये चाको हो नहीं बोलता, ये चाको हो बोलता ही नहीं आजकल, बंद कर दिया बोलना इसने। अच्छा ये हुदाई क्या होता है? बूम बूम, ओ ये आई एम लविंग इट। हुदाई मतलब धूम, ये हर जगह घरों में जा जाके धूम मचा रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, मचाओ बेटा हुदाई मचाओ, और पापा भी मचा रहे हैं आजकल हुदाई। रोज दिन में दो तीन बार, कभी कभी तो घर ही नहीं आते। अच्छा क्या करते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी में। वावी वाह, कौन सी पोजीशन पे? मिशनरी। पापा जाओ, पापा जाओ, हमें इसको जरूरी बात करनी है, कुछ जरूरी बात करनी है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हेलो, हाँ जी मिसेस रोमानी, कैसे हैं आप? यार पापा लेके मुझे